अगर किसी की सच्चाई तक जाना है, किसी भी बात की या किसी भी चीज़ की तह तक जाना है, तो आपसे अच्छा डिटेक्टिव हो नहीं सकता। हाँ जी, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट साइन की इस सीरीज़ में, वो है वर्गोस। नमस्कार, वेलकम टू नीटिग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। और आज फिर से आभार, तहे दिल से शुक्रिया आपका। हाँ, वर्गोस ने सबसे ज़्यादा वेट करी, और यकीन मानो इस वीडियो को मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत प्यार से बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। आपकी पोल पट्टी होगी, ऑब्वियसली खोलूँगी। उसके अलावा जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो सब लोग जो आपसे किसी रिश्ते में हैं, चाहे आपके ऑफिस में हों, चाहे घर में हों, वर्क प्लेस पे हों, फैमिली का पार्ट हों, फ्रेंडशिप्स में हों, पार्टनर हों, तो उन सब के लिए क्या मैसेजेस होंगे, टिप्पणियाँ होंगी, वो सब। और हाँ, लास्ट में मैं एक ख़ास बात आप लोगों के लिए कहूँगी, वाई इज़ इट कि मैं आप लोगों की कायल हूँ। हाँ जी, मैं क्यों, ऐसा आप में क्या है जिसकी मैं तहे दिल से हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, और तहे दिल से मैं आप में से वो क्वालिटीज़ इम्बाइब करती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रेट्स ऑफ वर्गोस। आप बेसिकली नीटनेस के फ्रीक हो, मतलब आपके घर में कोई आए तो ऐसा लगता है जैसे घर नहीं है, ये होटल है। क्यों? क्योंकि आपको देखोगे कि हर जगह, हर कोना, हर किनारा आपका परफेक्ट टू ऑर्डर है। मतलब आपका बस चले तो आपके घर में से एक कण भी मिट्टी का निकालना मुश्किल है, क्योंकि आपको हर चीज़, घर हो, वर्क प्लेस हो, किचन हो, काम हो, हर चीज़ आपको परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट ऑन ऑर्डर, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। आपकी अनदर क्वालिटी है कि आप लोग बहुत कमाल के क्रिटिक हो। कहते हैं ना, मतलब एक मीटिंग चल रही है, लोग बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आपको कहा गया है कि जस्ट बी ए पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, जिसमें आपको शायद कुछ कहना नहीं है, लेकिन आप जब उस मीटिंग में बैठे हो और देख रहे हो, सुन रहे हो, और आपके अंदर से कूद कूद के आ रहा है कि यार ये गलत बता रहे हैं, यार इनको मैं समझा दूँ, ये गलत डायरेक्शन में दे रहे हैं, ये डायरेक्शन ठीक ही नहीं है, इनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे इस डायरेक्शन में, तो आप फटाक से ना बिना मांगे मुफ्त की सलाह जैसे देते हैं, तो आप उनमें से हो जो आप तुरंत से बोलोगे एक्सक्यूज़ मी, मेरी ये सोच है कि शायद आप वहाँ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप इस वर्क में, इस एरिया में काम करोगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और सारे के सारे लोग आपकी तरफ ऐसे देखने लग जाते हैं कि तुमसे पूछा था, बट यकीन मानो आपकी सलाह सोलह आने सच होती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको डेप्थ में स्टडी किया होता है, आपने उस चीज़ को डेप्थ में समझा होता है। आपको दिखा जाए तो आप बड़े कूल, काम, अनइमोशनल टाइप लोग दिखते हो, मतलब आपको देखे कोई ये कह नहीं सकता कि आपके अंदर एक इमोशंस का घड़ा भरा हुआ है, कोई जान नहीं सकता कि आप इतने अफेक्शनेट हो सकते हो, कोई जान नहीं सकता आप इतने सेंसिटिव हो सकते हो, कोई जान नहीं सकता कि आप इतने पैशनेट भी हो सकते हो। तो मैं सबसे कहूँगी, जो लोग आपसे जुड़े होते हैं, अपीयरेंसेज आर ऑलवेज डिसेप्टिव, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्गोस। जो ये दिखते हैं वो हैं नहीं, और जो हैं वो दिखते नहीं हैं। तो इनके काम वाले जो फेदर्स हैं ना, उनको रफल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ये बिल्कुल डिफरेंट इंसान है। कई बार आपको कुछ चीज़ें इतनी हद तक पसंद आती हैं, इतनी हद तक पसंद आती है कि आप उन्हें लगातार, जैसे कहते हैं ना, हर रोज़ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते चले जाओगे। सिर्फ फॉर एग्जांपल, आपको एक स्वेटशर्ट है, वो इतनी पसंद आई कि आप हर रोज़ पहनोगे। तो अगर आपकी किसी ने तारीफ़ कर दी कि यार ये वाली पर्टिकुलर साड़ी तुम पे बहुत फबती है, तो देखो अगले 10 दिन तक आप किसी ना किसी फॉर्म में, आज यहाँ जा रही हूँ तो भी वही साड़ी पहनूंगी, अगले दिन फंक्शन है वहाँ जा रही हूँ तो भी वही पहनूंगी, तीसरे दिन फ्रेंड्स के साथ किटी में जा रही हूँ तो भी वहाँ पहनूंगी। ये जस्ट एन एग्जांपल है, बट आपको जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, बस फिर वो तो आपके दिल के अंदर उतर ही जाती है। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक से। अगर मैं कहूँ मुझे वर्गो की एनाटॉमी की बात करनी है, तो एनाटॉमी में अगर आपसे कहूँ दिमाग में क्या चल रहा होगा, दिमाग में उस टाइम आपके 400 चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि आप रैपिड एक्टिविटी का काम कर रहे होगे, आप कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व भी कर रहे होगे और कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज भी कर रहे होगे। आपको अगर ये कहा जाए कि ये एक स्लाइड है, ज़रा इसको देखना, इसका कॉन्टेंट ठीक है क्या, तो आप सिर्फ कॉन्टेंट ही नहीं देख रहे होगे, आपका दिमाग क्या कर रहा होगा, आपकी आइज़ तो कॉन्टेंट को पढ़ रही होंगी, आपका दिमाग कॉम्प्रिहेंड कर रहा होगा कॉन्टेंट को, आपका दिमाग कॉम्प्रिहेंड कर रहा होगा, और आप बोलोगे यार ठीक है ये तो सही है, लेकिन ये जो कोने में तुमने ये बटरफ्लाई सी बनाई है ना, ये ठीक नहीं लग रही, ये इसका बॉर्डर चेंज कर दो, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, इसके कलर कॉम्बिनेशन की प्लेट भी ठीक नहीं है।
अगला बंदा कहेगा यार मैंने तो उसको कहा था कि कंटेंट देख दे, इसने कंटेंट के साथ साथ दसियां और बीसियां और गलतियां निकाल डाली, इससे तो अच्छा मैं किसी और के पास चले जाता, मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। सो ब्रेन आपका मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहा होगा, आपकी आईज इतनी डीप हैं, आपकी आईज इतनी व्हाट शुड आई से डिटेल्ड फोकस हैं और पेनिट्रेटिंग है कि वो कहते हैं ना डेप्थ में जाना है किसी की, तो एक्चुअली मतलब हर तरह से मैं कहूँगी, कहने में भी और कथनी में और करनी दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं है, आपकी आंखें वाकई में बहुत खूबसूरत और बहुत डीप हैं। अब मैं आती हूँ आपकी थर्ड पार्ट ऑफ एनाटॉमी और वो पार्ट है आपके हाथों का। जब भी आप कोई चीज़ डिस्कस करते हो तो खाली आपकी आंखें नहीं बोल रही होती, खाली आपका दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा होता, आपके हाथ भी साथ साथ काम कर रहे होते हैं। वर्गो होने के नाते आपका हाथ का मूवमेंट बहुत रहता है और आपके हाथों में एक हीलिंग की पावर है, आप बहुत अच्छे हीलर्स हो सकते हो, कमाल के हीलर्स हो सकते हो। और अब मैं चौथी बात करूं स्टमक की, तो स्टमक आपका अक्सर अपसेट रहता ही रहता है, और हाँ आपके अंदर बहुत बटरफ्लाइज होती हैं क्योंकि आपको बहुत उत्सुकता कुलबुलता सब चीज़ें रहती हैं, तो आपको लगता है कि बटरफ्लाइज आर ऑलवेज देयर, आपके स्टमक के अंदर तो मूव कर ही रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी एस्पेक्ट को लेके। अब चला जाए आपकी पोल पट्टी खोलने के लिए, तो तैयार हैं? आई नो आपके चेहरे पे स्माइल आ गई है। आप ना एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप फ्रेंडशिप्स को ओवर एनालाइज करते हो। अगर सपोज आपके फ्रेंड्स हैं, पक्के दोस्त हैं, आपने उनको मैसेज किया और आपने उनको मैसेज करके आपने चार बार फ़ोन उठा के देखा मैसेज पहुंच गया, फिर उसके बाद आपने देखा ऑनलाइन है यार मैसेज नहीं पड़ा, फिर आपने देखा ब्लू टिक भी लग गया, वो पढ़ लिया अभी रिस्पॉन्स आएगा, फिर थोड़ी देर में आपको लगेगा यार अभी रिस्पॉन्स नहीं आया, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं ये नाराज़ तो नहीं है, कहीं मेरे से कुछ हो तो नहीं गया, फिर आप सोचने लग जाओगे मैंने परसों उनसे बदतमीज़ी से बात की थी, कहीं ये नाराज़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो बोला इनको ख़राब लग गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो, यार मेरी इंटेंशन तो ऐसी नहीं थी, मैंने किसी को दर्द या तकलीफ़ तो नहीं देनी थी। मतलब कि उस 5 मिनट के अंदर आपकी बटरफ्लाइज पेट में काम कर रही हैं, आपका दिमाग मैंने एनाटॉमी समझाई ना, दिमाग कहाँ काम कर रहा है, आपकी आईज़ कहाँ काम कर रही हैं और आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। आप इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट और ओवर एग्जर्ट कर लोगे क्योंकि आप अपने जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं ना खुद से पूछते हो, बिकॉज आपको आदत है ना हर चीज़ की तह में जाने की, तो आप 360 डिग्रीज अपने आसपास ढूंढ डालोगे कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई जिसकी वजह से उन्होंने जवाब नहीं दिया, चाहे वो बंदा मीटिंग में ही बैठा हो, चाहे वो बंदे ने नज़र से पढ़ लिया हो कि मैं बाद में जवाब दे दूंगा। हर कोई आप जैसा नहीं होता, तो दिस इज़ वन रीज़न, दिस इज़ द फर्स्ट पोल पट्टी विच आई वॉन्टेड टू ओपन फॉर यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत लोगों को नहीं मालूम कि आप एक साथ में 3 किताबें पढ़ सकते हो। हाँ जी, इनके टेबल पे, इनकी बेड साइड पे 3 बुक्स पढ़ी होंगी, एक तो कोर्स रिलेटेड बुक पढ़ी होगी या इनकी टेबल पे पढ़ी होगी, एक कोर्स रिलेटेड बुक होगी, एक स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड किताब होगी, और जो तीसरी किताब होगी वो एक फिक्शन होगा या एक नॉवल होगा, या ऐसी किताब होगी जिसको मतलब आप सोचोगे ठीक है, और आप इनसे पूछोगे कि आप 3 बुक्स एक साथ पढ़ रहे हो तो ये क्या जवाब देंगे, ये बोलेंगे हाँ तो क्या हो गया 3 ही तो बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो जिससे जो सत लेना है मैं वो सत ले लेता हूँ, जिससे मुझे वो समझना है मैं वो समझ लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है एक पढ़ूँ दो पढ़ूँ तीन पढ़ूँ, मैं 3 बुक्स को एक साथ पढ़ सकता हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड पोल पट्टी ऑफ योर्स विच आई एम ओपनिंग। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि या तो आप चीज़ों को क्योर कर लेते हो, या तो उन चीज़ों में जहाँ प्रॉब्लम है उन एरियाज़ को आप पलक झपकते ही क्लियर कर देते हो, या आप उन्हें 10 टाइम्स वर्स्ट कर देते हो। वर्स्ट क्यों करते हो? आपकी ये ओवर थिंकिंग और ओवर एग्जैजरेटिंग और ओवर थॉट प्रोसेस जो है उसके अंदर आपकी सोच और सोच और सोच और सोच उसको 10 टाइम्स ख़राब कर देती है। तो यानी आप कोई एक मिडिल पाथ नहीं ले पाते हो, आप या तो इधर होते हो या तो आप उधर होते हो। तो ये हो गई आपकी पोल पट्टी। अब हम नेक्स्ट थोड़ी से और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके ऊपर आती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगी उन लोगों के बारे में, वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं। आप लोग सुपर हाई स्टैंडर्ड्स के मालिक हैं या मालकिन हैं, मतलब आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, आपके टेस्ट बहुत स्पेसिफिक हैं, आपको जल्दी से कहते हैं ना आपके नाक के नीचे कोई चीज़ जल्दी से आती नहीं है, मतलब आपको कोई चीज़ जल्दी से पसंद नहीं आती क्योंकि आपके टेस्ट ही बहुत स्पेसिफिक हैं, आपको कुछ चीज़ें जो पसंद है वो बेहद पसंद है, नहीं है तो नहीं है, मतलब आप पिक्यूलियरली कुछ चीज़ों को पिक कर सकते हैं। आपकी पसंदीदार चीज़ों में से बुक्स है, आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं जैसे आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए और आपके फ्रेंड ने आपके लिए खाना सर्व किया और खाने में टेबल पर 8-10 चीज़ें उसने आपके लिए बड़े प्यार से बनाई,
लेकिन आप उनमें से सिर्फ दो या तीन चीज़ें ही उठाएंगे और खाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे अरे यार ये आलू बीन्स ट्राई करो ना, तो आप कहेंगे वेल मैं आलू बीन्स नहीं खाता या मैं आलू बीन्स नहीं खाती, तो बोलेंगे अच्छा तो आप आलू तो खाते होंगे, आलू आलू ले लीजिए। नहीं नहीं मैं आलू भी ऐसे नहीं खाता, मैं एक्चुअली आलू भी ना बॉयल करके और फिर हल्के से उसमें सॉस में टॉस करके और फिर हल्का सा उस पर कोकोनट डाल के इस तरह से मैं खाता हूँ, तो मेरी चॉइसेस थोड़ी सी अलग हैं। तो अदर पर्सन सोचेगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मतलब उसको लगेगा इतना ख़राब कि मैंने तो इसके लिए इतना सारा खाना बनाया और इसे देखो इसको बिल्कुल शौक ही नहीं आ रहा खाना खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप दिल से उसकी इंसल्ट कर रहे हैं या दिल से उसके बारे में कुछ गलत बोलना चाह रहे हैं, बात यह है कि आपकी नाक के नीचे से वो चीज़ें नहीं आती। तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो आपसे रिश्ते में हैं। अगर आपकी लाइफ में वर्गों हैं, आप इनके ऊपर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको 360 डिग्रीज किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसकी डेप्थ तक रिसर्च करके आपके पास आ पाएंगे। सपोज़ आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, आपको ट्रैवल करने के लिए आपने कहा कि हमें कश्मीर जाने का मन है, तो थोड़ा सा आप ट्रैवल अरेंजमेंट्स में हेल्प कर देंगे, तो यकीन मानो वर्गो आपके लिए इस तरह से हेल्प करेंगे। कैसे? वो आपको ये बता देंगे कि वहाँ तक जाने के लिए ये तीन फ्लाइट्स हैं, इन तीनों फ्लाइट्स की ये प्राइसेस हैं, ये इनके टाइमिंग्स हैं और ये यहाँ से ये जाती है, ये वाली फ़्लाइट बेस्ट है, इसमें इसके साथ में खाना भी मिलेगा, अदरवाइज़ आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको बोलेंगे वहाँ से यहाँ तक के लिए आपको दो टैक्सी के ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन नंबर वन है जो आपके पास सारे टाइम रहेगी, ये ऑप्शन नंबर टू है जो आपको ओला उबर की तरह से कुछ भी हो सकता है। थर्ड आपको बता देंगे होटल्स में तीन ऑप्शंस हैं, इन होटल्स के ऑप्शंस की तरह से आप इस होटल में रहेंगे तो ये बेस्ट है बजट वाइज, अदर ये है आपको लग्जरी लेनी है तो इसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर होटल में, इतने एक्स्ट्रा 500 देने से आपको एक मील एक्स्ट्रा मिल भी जाएगा। ऐसा नहीं कि ये ट्रैवल एजेंट्स हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनके ऊपर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको 360 डिग्रीज किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसकी डेप्थ तक रिसर्च करके आपके पास आ पाएंगे। तो आपको हमेशा ऐसी चीज़ जहाँ पे आप लिटिल अनअवेयर हैं या जाना है या कुछ भी ऐसा काम जो इनको देना है, वो आप जो इनिशियल पेड वर्क या होमवर्क होता है वो आप इन्हें करने के लिए दे सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दोज पीपल हु आर इन रिलेशनशिप विद अ वर्गो। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता इनसे बना रहे तो आपके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस है। वर्गोज़ बहुत काम प्राणी होते हैं, मतलब अनलाइक स्कॉर्पियोज़ जो डंक जल्दी से मार दें, वैसे नहीं होते ये। वर्गोज़ विल कीप गिविंग यू लॉट ऑफ चांसेस, ये आपको फर्स्ट चांस देंगे, आपने गलती करी ये आपको सेकेंड चांस भी दे देंगे, आपने गलती करी फिर से गलती करी कि समझेंगे, दे विल गिव यू दैट काइंड ऑफ अ स्पेस कि चलो कोई बात नहीं, एंड बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देंगे कि चलो भाई हो सकता है कि भाई इनसे सच में गलती हो गई हो, या आपको थर्ड चांस भी दे देंगे और बहुत आप लकी हो तो शायद फोर्थ चांस, बट यकीन मानो उसके बाद आपकी इनकी लाइफ में चैप्टर में क्रॉस है बड़ा सा। क्यों? फिर ये आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे और इग्नोर करना का सबसे बड़ा तरीका ये है कि ये आपकी ना तो कॉल्स उठाएंगे ना आपसे बात करेंगे, ये आपसे कई कई दिनों तक बात नहीं करना चाहेंगे, आप कितना भी बैठ के चीज़ों को क्लीन करने की स्लेट कोशिश करेंगे बट इनके मन में जो बैठ गया ना वो बैठ गया। इसलिए आपके लिए मैं बहुत हद तक ये एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ आप वर्गों को बार बार ऐसे मौके ना दीजिए कि आप इनकी लाइफ से अलग हो जाएं। क्या बात है, लाइट भी आ गई, वंडरफुल। अब आते हैं सजेशंस किसके लिए, सजेशंस फॉर वर्गोज। जस्ट डोंट बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। मैं जानती हूँ कि आप एक परफेक्शनिस्ट हैं, मैं जानती हूँ कि आपको हर चीज़ परफेक्ट ऑर्डर में चाहिए, लेकिन आप इतने सेल्फ सेक्रीफाइसिंग तो मत बनो ना। ठीक है, करना अच्छा है, किसी से एक्सपेक्ट करना अच्छा है, आप जानते हैं आपका स्पाउस नहाने के बाद टॉवल बिस्तर पे डालता है गीला टॉवल, आप बुड़बुड़ाते भी जाएंगे, आप उठाएंगे भी उसको बाहर डाल के भी आएंगे, चार बार कुछ बुड़बुड़ाएंगे और बोलते भी चले जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ योर्स आप सेल्फ सेक्रीफाइस करते हो, आप अपने को मेंटली इमोशनली फिजिकली हर तरह से आप अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हो। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए परफेक्शन और आपकी इस परफेक्शन की हैबिट से आप परेशान हो रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं हो रहा। तो आप मुझे कहोगे तो मैम हम क्या करें, हम परफेक्शनिस्ट होना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, लेकिन ओवर एग्जर्ट नहीं करो, एक लिमिट में करना इट्स फाइन, कंटिन्यू डूइंग इट बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सुबह से शाम तक आप सिर्फ यही करते रहेंगे ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मैंने आपसे वीडियो के बिगनिंग में ये कहा था कि मैं आपकी कायल हूँ, कहा था ना कि वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं बताना चाहूँगी मैं आपकी कायल क्यों हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ मैं आपकी कायल क्यों हूँ, मैं आपसे ज़िंदगी में क्या सीखा और मैं आपकी क्यों कहती हूँ मैं आप
शुक्र है ईश्वर का कि वर्गोज़ को भी मेरी लाइफ में लेके आए। मैं नाम नहीं लूँगी इस वीडियो में कौन वर्गोज़ है मेरी लाइफ में है, लेकिन ऐसे कुछ हैं जिन्होंने मुझे बहुत ब्यूटीफुल से लाइफ लेसन्स दिए हैं। मैं कायल हूँ आपकी दो चीज़ों को लेकर। सबसे पहली चीज़, ऐसा कुछ नहीं है ज़िंदगी में जो आप अचीव नहीं कर सकते। अगर आपके मन में आ गया, आपने ठान लिया कि ये मुझे अचीव करना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप रात के 2 बजे 3 बजे तक भी बैठ के काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि मैं उस काम में कामयाबी पूरी की पूरी हासिल करूं। ये आदत सब में नहीं होती और इसके लिए आपको भगवान से धन्यवाद देना चाहिए। सेकंड चीज़ जिसके लिए मैं आपके कायल हूँ वो ये है, आप क्विटर्स नहीं हो। आप ज़िंदगी में कभी बुरे समय आता है, बुरा पल आता है, बुरा टाइम आता है, आप क्विट नहीं करते हो। आप उनमें से हो जो हमेशा गिरने के बाद वापस से यू राइज, यू कम बैक अगेन, बिकॉज़ यू डोंट हैव दैट विक्टिम मेंटालिटी। व्हाट यू हैव अ सर्वाइवर्स मेंटालिटी एंड यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी। यू आर रियलिस्टिक, यू डू नॉट टॉक इन द ईयर, यू टॉक फिगर्स, यू टॉक the reality, you do not unnecessarily blow the trumpet out of anything. ये चीज़ें हैं जो मैं तहे दिल से आपकी, अपने दिल से भी इज्जत करती हूँ और I salute you for being what you are and for your contribution towards the world. तो हम बात करेंगे अब कॉमन ट्रेड्स, कॉमन चीज़ों की, जो कि सबसे पहले आपका सिंबल, सिंबल मेडन है, आपका एलिमेंट अर्थ है, आपका प्लैनेट मर्करी है, आप रूल्ड होते हो 6th हाउस के साथ। आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट स्टोन्स हैं वो सफायर, एमरल्ड एंड टोपेज हैं। आपके लकी कलर्स आर वाइट, येलो, ग्रीन एंड ऑलिव एंड यू आर मोर कंपैटिबल विद स्कॉर्पियोज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड कैंसर and you are less compatible या least compatible with Sagittarius, Aquarius and Leos. So this is all about my beautiful Virgos. With this, I complete the series on sun signs. इस particular series को ख़त्म करने के बाद मैं एक special वाला thank you बोलना चाहती हूँ। किसको? मैं उन सब बच्चों को thank you बोलना चाहती हूँ, उन सब young adults को thank you बोलना चाहती हूँ जो 13 years से लेके 25 years की age group में है। Special वाला उनके लिए। क्यों? अब जब मैं अपना YouTube के एल्गोरिथम्स को समझने की कोशिश कर रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि 13 साल से 25 साल का एक ब्रैकेट है। उस ब्रैकेट में पहले जो परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स थे वो बहुत कम थे। परसेंटेज वाज अबाउट 4% अप्रॉक्सीमेटली एज टू द नंबर्स विच वर देयर। और बिकॉज ऑफ दिस सीरीज़ इट हैज़ रिजन टू हाउ मच, ऑलमोस्ट 25%, विच आई एम सो हैप्पी एंड अमेज्ड कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अब आप तक पहुंच पाई हूं। अगर मैं यंगस्टर्स आप तक पहुंच पाई हूं, तो यकीन मानो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं और मैं चाहूंगी कि आप प्लीज़ इस वीडियो के एंड में लिखिए और मुझे पूछिए आपको कहां मेरी हेल्प चाहिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, आपकी लाइफ में टू अटेन मोर गोल्स एंड टू बिकम बेटर इंडिविजुअल्स, बिकॉज आपके पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा साल हैं, ज़्यादा टाइम है, आप वो चीज़ें कर सकते हैं। और कहते हैं ना, जब पौधा छोटा हो उसमें खाद और उसकी सेवा की जाए, उसमें बराबर खाद डली जाए, पानी डाला जाए, तो वो पौधा निकल के बड़ा सा वृक्ष बनता है, जिस जो कि हमेशा फलों से लदा रहता है। सो दिस इज़ व्हाट माय एम एंड इंटेंशन टू बिगिन निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक इज़ दैट येस, आई कम अक्रॉस एज somebody हु कैन हेल्प यू इन योर पर्सनल अवेकनिंग एंड योर स्पिरिचुअल ग्रोथ।